सतनाम भाई गुरु जी, आज की कहानी यह दर्शाती है कि हमें कभी भी गलती से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके बुरे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। तो आइए कहानी शुरू करती हूँ। एक बार की बात है कि किसी राजा ने यह फैसला लिया था कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी और जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा बड़े ही धार्मिक स्वभाव का था। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफ़ी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटे जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो खूब बंदगी करते हैं, खूब सिमरन करते हैं। राजा उनके घर रात ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी, लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतना लेट क्यों उठी है? अपने घर कोई मुसाफिर आया है, इसने नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे सिमरन से आज जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था, धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक सिमरन पर ही बैठी रही। तो फिर उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगेगा या सांप को या रसोइयों को जिन्होंने दूध को खुला छोड़ा। राजा भी यह सब सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ बेटा? तो लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और रूटीन के टाइम के अनुसार सिमरन से उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे चौपाल में बैठे लोग बांट के ले गए जो राजा की निंदा कर रहे थे। यह बात यह दर्शाती है कि अगर हम किसी अनजान व्यक्ति की निंदा करते हैं पीठ पीछे तो उसका पूरा फल हमें भुगतना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको भी पसंद आई होगी।
जिससे आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। सतनाम वाहेगुरु जी।